Hey, what's up you guys, my name is Imran and in this video I'm going to talk about my journey from high school to med school. So let's get started. So I did my schooling from Gujarat and Maharashtra as well, two states, because due to Gujarat riots in 2002 my parents decided to transfer me. So till 5th standard I studied in Gujarat and later on continued my studies in Maharashtra. So during my SSC I was quite good in studies, like padhai bhi karta tha aur masti bhi karta tha. And during that time I was good in science and maths as well, but mera Marathi aur English bahut weak tha. Aap log video bhi dekh sakte ho, Marathi to mala sagde aate and English kind of, because during Ren and Martin classes I was sitting at the last bench. So yes, so anyhow I managed to come in distinction during my SSC result. So I always wanted to go Somaya College and St. Xavier's College, just because like I heard some names and they themselves have a good reputation. So later on my mentor Michael sir, he guided me from Mumbra to Vidyavihar, or from Mumbra to CST it takes a lot of time to travel, like 1 hour, 1.5 hour till CST. So he said me ke itna agar utna travel karne se acha to yahi pe Mumbra mein kahin admission le le, aur aaju baaju mein koi college matter nahi karta, result matter karta. सो कहीं भी तू एडमिशन ले ले और उसके बाद तुझे कहीं भी तेरा रिजल्ट अच्छा आएगा तो कोई कॉलेज नहीं देखेगा, तेरा रिजल्ट देखेगा. तो यहीं पे कहीं नज़दीक ले ले, तेरा टाइम बचेगा, यू विल गेट टाइम टू स्टडी, बेटर यू टेक एडमिशन नियर बाय. सो इवन आई गॉट एडमिशन एस के सोमैया, बट ड्यू टू दैट गाइडेंस आई थॉट ट्वाइस, सो आई टुक एडमिशन इन मुंबई इटसेल्फ. सो ड्यूरिंग HSC आई वॉज समवेयर डाइवर्टेड फ्रॉम स्टडीज. इन FYJC टोटली I was diverted, and during my SYJC I was quite into studies. So in my journey the most important role played by Michael sir, he is my guidance totally, he guided me all the way. During my HSC result I got decent marks, but I didn't got that much decent marks to enter into medicine. 12th ke board tak mujhe pata chal gaya tha ki mujhe actually kya karna hai, I want to step into medicine and I have to score minimum 80%. 12th ke baad CET mein bhi मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं था, नॉट दैट डिसेंट स्कोर, बिकॉज इंडिया में अगर तुम 90 के नीचे हो तो तुमको कंसिडर ही नहीं करेंगे लोग. वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि अब तो कुछ नहीं होगा, अब लाइक एवरीथिंग फिनिश्ड, एवरीथिंग इज डन, सो बेटर आई डू सम BSc एंड स्टफ एंड लेट ऑन मूव ऑन विथ लाइफ. सो बट उसके बाद माई फादर ऑलवेज हैड के अगर मुझे जो करना है वो करके रहेगा, बिकॉज हमारे पेरेंट्स का यही है कि उनको वो हमारी मेहनत देखना चाहते हैं. अगर हम मेहनत करेंगे तो उनको ऐसा लगता है, बट उनको ये नहीं पता था कि मैंने कितनी मेहनत की थी या कितनी मेहनत नहीं किया था. बट ही ट्राइड हिज बेस्ट, आई मीन उन्होंने बोला कि चलो डोनेशन ट्राई करते हैं, डोनेशन सीट पर लेने को. सो दैट टाइम मेरे को अक्ल नहीं था इतना कि डोनेशन वगैरह क्या होता है. एक्चुअली डोनेशन मतलब नाम सुना था पहले, बट इतना वो नहीं था कि हाँ चलो डोनेशन दे के एडमिशन लेना अच्छी बात है या बुरी बात है. व्हेन आई केम टू नो दे आर चार्जिंग डोनेशन अराउंड 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख, एंड टुडे अभी इंडिया में तो कि बहुत ज़्यादा डोनेशन चल रहा है. एट दैट टाइम दे वर सेइंग टू पे अराउंड 22 लाख. सो माई फादर इवन एग्रीड टू पे डोनेशन, बट जस्ट वी नेवर पेड दैट मच अमाउंट टू एनी वन लाइक दैट. लाइक पहले पैसे दो, फिर उसके बाद टोकन मिलेगा, देन दैट प्रोसीजर, दैट इट इज़ टफ टू बिलीव समवन विद दैट मच अमाउंट ऑफ मनी. एट दैट टाइम मैंने सोचा कि इतना पैसा देने से अच्छा एक और बार कोशिश कर लेते हैं. देन अगेन आई टुक अ ड्रॉप एंड आई टुक एडमिशन इन KJ सोमैया FYBSC. ड्यूरिंग दैट टाइम आई लर्न समथिंग लाइक अगर मार्क्स नहीं है तो तुम्हारे पास एडमिशन तो मिलेगा ही नहीं इंडिया में. सो इतना डोनेशन का तमाशा देख के आई थॉट व्हाई नॉट टू ट्राई वंस अगेन. सो मैंने अपने डैड से बात किया एंड आस्क हिम टू नॉट टू पे दैट मच एंड लेट मी ट्राई वंस अगेन. सो ही सेड ओके फाइन, इफ यू वांट देन इट्स ओके. सो लेटर आई डिसाइडेड टू टेक एडमिशन इन सोमैया, KJ सोमैया. अलॉन्ग विद दैट आई कंटिन्यूड माय CET प्रिपरेशन. सो अगेन आई गेव CET एंड आई वॉज होपिंग टू गेट सम गुड मार्क्स, एंड अगेन आई फेल्ड. No, I didn't get that much marks to get admission in India. Later on, again the same story, whatever happened last year, like पिछले साल जो हुआ था फिर से वही कहानी शुरू हो गई. फिर
then I went to Kolhapur, I went to Bangalore, I went to Hubli, I went Karnataka. Everywhere I went for admission, and again मतलब अंदर से वो आवाज नहीं आ रहा था कि यार मैं डिजर्व नहीं करता हूँ तो भी मैं यहाँ पे इतना पैसा देके किसी और की सीट क्यों लूँ. So I was quite confused. Then एक महीना हो गया, दो महीना हो गया, admissions खत्म होने आ रहे थे. So one day I was returning back home and saw one article in train. वहाँ पे एक ऐसा आर्टिकल लगा हुआ था एडवर्टाइजमेंट MBBS in Russia. So I went to cyber cafe and search for MBBS in Russia. और वहाँ पे एक घंटा मैंने कंटिन्यूस उसको पूरा स्टडी कर डाला, दो तीन वेबसाइट्स को, एंड पता चला कि वहाँ पे डोनेशन नहीं लगेगा एंड फीस इज ऑल्सो चीप. सो आई वेंट टू माई फादर एंड सेड अबाउट MBBS in Russia and he said me, बेटा पहले यहाँ पे ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर बाहर देखेंगे. तो मैंने बोला अबू नहीं, मेरी जो मेहनत थी ट्वेल्थ में मैंने कहीं गलतियाँ की है और आई नेवर वॉन्टेड टू टेक एडमिशन फ्रॉम डोनेशन और प्राइवेट सीट. बट एक दिमाग में बैक ऑफ माइंड वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि यार मैं क्यों इतना पैसा दे के एडमिशन लूँ. वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुआ और फिर आई लैंडेड इन रशिया एंड यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस किए. ऐसा नहीं कि बहुत आसान था, बट I'll be making another video whether MBBS in Russia is good or not. Maybe next video. So 6 months and I'll be graduating from here. And one more thing, within some months I'm going to appear for USMLE exam. USMLE is one of the toughest exam in field of medicine. लोग टफ बोलते हैं, मैं टफ कंसिडर नहीं करता हूँ. सो इफ़ आई क्लियर दैट एग्जाम तो मेरा वो मार्क्स जो मैंने ट्वेल्थ में लिया था, जो मैंने टेंथ में लिया था, वो लोग नहीं देखेंगे. अगर मैं कल को कुछ अपनी मेहनत से कुछ अच्छा करता हूँ तो वो वहाँ पे लोग मेरा टेंथ और ट्वेल्थ का मार्क्स नहीं देखेंगे. एंड बात रही रशिया के डिग्री की वैल्यू की, तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है. हम लोग यहाँ पे कितने पापड़ बेल रहे हैं और कितने बॉटल खाली कर रहे हैं दारू की, तो वो उस पर डिपेंड करता है. इफ़ यू आर स्टडिंग यू विल गेट एवरीथिंग, इफ़ यू आर नॉट स्टडिंग यू विल नॉट गेट एनीथिंग. So the most important message I want to convey from this video, from this story is I didn't got that much good marks in SSC, I didn't got that much good marks in HSC and even in entrance exam. मैंने हर point पे यही सोचा है कि if I am eligible, why I should drop the idea. If you are eligible for something, you have to just work out for that purpose and you have to crack it anyhow. So that's the end of the story. If you like this video, give this video a thumbs up. And I know that was too lengthy video. Thanks for watching me again. And don't forget to subscribe. Click that red button. Till then, stay fit. Bye.